इसमें कोई 6 से 7 एक्सटेंशनें ऐड होती हैं, सारे की सारी फ्री में हैं। यहाँ से आप देखते जाएं और वो एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ से देखते जाएं, आपने आ जाएं क्रोम वेब स्टोर के ऊपर और यहाँ से आपको मैं सारी एक्सटेंशनें ऐड करा के दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एक्सटेंशन है, और फिर हम उन एक्सटेंशन का यूज़ कैसे करेंगे और फिर उन एक्सटेंशन का फ़ायदा क्या है वो आप ये एज टैग पर अर्निंग करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट के लिए भी और CPM वगैरह के लिए भी आप कर सकते हो। इसके बहुत सारे इनके फ़ायदे हैं, जितना आप इस पर दिमाग इस्तेमाल करते जाओगे तो ये आपके बाकी कामों में भी आपको ये बहुत सारा फ़ायदा देगा। सबसे पहली एक्सटेंशन है ऑटो रिफ्रेशर प्लस, ठीक है। ये आप ऑटो रिफ्रेशर लिखेंगे तो ये प्लस का आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले टॉप पे आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस एक्सटेंशन को आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। ऐड एक्सटेंशन ऐड हो गई, दोबारा बैक जाते हैं। यहाँ पे एक और एक्सटेंशन है, वो है जी क्लियर कैशे, ये सबसे टॉप पे है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो टॉप पर ही आ रही है ये क्लियर कैशे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको भी ऐड टू क्रोम कर लेंगे। इसकी भी हमने एक्सटेंशन आएंगे और हम एक और एक्सटेंशन ऐड करेंगे, वो है फिंगर प्रिंट स्पोर्टिंग, ये वाली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये टॉप, ये फिंगर का निशान बना हुआ आ रहा है, इसको भी आपने ऐड कर देना है और ऐड टू क्रोम कर लेना है। ऐड एक्सटेंशन कर लेता हूँ, इसका आपको मैं बाद में समझाऊँगा कि इनका काम क्या है और इसकी मेन असल जो चीज़ है इसकी वो सेटिंग है कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। उसके बाद है जी रैंडम यूज़र एजेंट, ये आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें, रैंडम यूज़र एजेंट ये टॉप पे आ रहा है, इसकी आप शक्लें भी साथ देख जाओ ताकि कोई और ना कर लो। उसको ऐड टू क्रोम कर लेते हैं और ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, दोबारा बैक जाते हैं। यहाँ पर लिखना है वेब RTC कंट्रोल, वेब RTC कंट्रोल ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये टॉप पे आ रहा है वेब RTC कंट्रोल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे और ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम फिर इसको बैक करेंगे, एक और एक्सटेंशन हमने ऐड करनी है, ये वेब RTC कंट्रोल है, अभी करनी है वेब RTC शील्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वेब RTC लीक शील्ड है, इससे आपकी जो IP होगी वो लीक नहीं होगी। ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा एक और आता है ऑटो क्लिकर, इसको भी आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। मेरे पास पेमेंट वाला है, आपने कोई फ्री वाला डाउनलोड कर लेना है, उसको आपने ऐड कर लेना है, मेरे पास पेमेंट वाला है। इसके बाद एक और एक्सटेंशन है पेज स्क्रोलर, वो भी आपने एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। अभी ये आपकी 7-8 एक्सटेंशनें हो गई जो आपने इसमें ऐड करनी है। अभी मैं आपको इन सब की सेटिंग बता देता हूँ कि इनकी सेटिंग हमने किस किस से तरीके से करनी है। मैं अपने ध्यान से और आराम से आप लोगों को हर चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इन सब को पहले पिन कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके पिन कर लिया। इसके अलावा हमें एक या तो पेमेंट RTP हमें चाहिए होगी, पेमेंट RTP हो, आपके पास कोई पेमेंट प्रॉक्सी हो, या अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो टक्सलर VPN तो है ना, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो असल में ये सारा काम जो होता है वो प्रॉक्सी पे होता है। $2-3 में आपको एक महीने के लिए प्रॉक्सी मिल जाती है, बहुत सारे प्रॉक्सी यानी कि सेल करते हैं लोग, आप कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं और बैग में आप वो प्रॉक्सी लगा लेंगे, बेशक न्यूजीलैंड की लगा लें, जर्मनी की लगा लें, स्पेन की लगा लें, कनाडा की लगा लें, USA की लगा लें, आप कहीं की भी लगा लें, ये अच्छी है, लोकेशन है ये वाली, आप इनमें से कोई लगा सकते हैं, उससे बेहतर काम होगा आपका अगर आप प्रॉक्सी लगाते हैं। तो अभी मैं आपको क्योंकि आसान तरीके प्रॉक्सी भी सारे नहीं ले सकते, मैं आपको एडस्टेरा के साथ जो टक्सलर VPN है सिर्फ इस पे आपके ऐड वगैरह शो होते हैं या डायरेक्ट लिंक आपको शो होता है सिर्फ इस चीज़ के ऊपर, मैं आपको इसी के ऊपर सेटिंग करके दिखा देता हूँ कि भाई ये वाला है, इसको आपने करना है। अगर आपके पास प्रॉक्सी है या कि पेड VPN है, सॉरी आपके पास कोई पेड RTP है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देख लेंगे कि उस RTP के ऊपर एड्स तरह के ऐड शो होते हैं या नहीं होते। कुछ RTP के ऊपर एड्स तरह के ऐड शो नहीं होते, ये ना आप बाइक में वो लगा लो और आपकी
ऐड शो ही ना हो, आपका ट्रैक लिंक शो ही ना हो, तो फिर आपकी अर्निंग कहाँ से होगी? फिर आप आके वो कमेंट्स कर रहे होंगे कि यार आपने तरीके से नहीं बताया था। इसके लिए प्रॉक्सी बेस्ट है, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो टेक्सलर वीपीएन तो है ही, तो मैं यहाँ पे टेक्सलर वीपीएन को भी ऐड कर लेता हूँ कि जी टेक्सलर वीपीएन। देखिए इसके बगैर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आएंगे ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर, और यहाँ पे आके ये कुकीज़ एंड अदर डाटा साइट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके अलाउ आल कुकीज़ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके अलावा नीचे आएंगे, बल्कि दोबारा मैं ये प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये नीचे आ रही है साइट सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे आना है और नीचे आ रहा है ये पॉप अप एंड रीडायरेक्ट,
ये मैं आपको हर चीज़ आसान तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई समझने में मसला ना हो। यहाँ पे क्लिक किया और आपने इसको ऊपर वाला जो है साइट्स कैन सेंड पॉपअप एंड यूज रीडायरेक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और ये जो लास्ट वाला ऐड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपने अपना जो डायरेक्ट लिंक है वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगर आपने डायरेक्ट लिंक के ऊपर अर्निंग करनी है तो आपने इन सारी जगह पे डायरेक्ट लिंक पेस्ट करना है। और अगर आपने अपने वेबसाइट के ऊपर इस तरह की अर्निंग करनी है, मतलब कि ब्लॉग बना के करनी है, उसमें अर्निंग थोड़ी कम तो होगी लेकिन होगी ज़रूर, तो आप अपने उस ब्लॉग का लिंक यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे जो हमने पहले आपको एक ब्लॉग बना के उस मुकम्मल सेटिंग करके आपको दिखाई थी। ये सेटिंग कंप्लीट हो गई, इसको बैक करते हैं। दो सेटिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आके अभी नेक्स्ट सेटिंग है ये वाली, इसको आ रहा है ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंप्लीट हो गई, इसको बैक करते हैं। दो सेटिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आके अभी नेक्स्ट सेटिंग है ये वाली, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन का आ रहा है ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके ये इसको आपने क्लिक कर देना है और नीचे वाले साथ जितने भी है ना आपने इन सब को क्लिक कर देना है सिवाय पासवर्ड के, ठीक है। यहाँ पे सब को आपने क्लिक कर देना है, सिर्फ पासवर्ड को छोड़ देंगे। आपकी कंप्लीट हो गई, इसको करते हैं बैक। अब अगली सेटिंग के ऊपर इसको क्लिक करेंगे और इनके ऊपर सब को हमने टिक लगा देना है, ठीक है। ये आया, यहाँ पे हम इसको टिक लगा लेंगे, ये हमारी सेटिंग हो गई, इसको हम क्लोज कर देंगे। अभी आती है नेक्स्ट ये वाली सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आके ये ओपन सेटिंग है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आके आपने टाइम जो है वो कर देना है जी 15 सेकंड या 16 सेकंड, इतने ही करते हैं। इसके बाद ये जनरेटर सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितना भी कंप्यूटर वाले बंद कर देंगे, बाकी हम सारे ऑन कर देंगे। ये एज ऑन विंडो है, इसको भी ऑन कर लेते हैं। एज ऑन मैक, इसको भी ऑन कर देते हैं। ये एंड्रॉयड है, इसको ऑफ रहने देते हैं, इसको भी ऑन। ये मैक को, लिनक्स को, एंड्रॉयड को ऑफ रखेंगे। और ये आईफोन है, ये भी ऑफ रहेगा। ये मैक और विंडो, ये सारे हम ऑन कर देंगे, ठीक है। सेव सेटिंग हो गई, इसके बाद इसको हम मैक कर लेंगे। अभी आती है नेक्स्ट सेटिंग। अभी आती है ये साथ वाली, ये वेब लीक प्रोटेक्शन, इसको आपने क्लिक करके ऑन कर देना है। ये भी ऑफ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाए। अभी आपने क्लिक करके ऑन कर देना है, ठीक है। ये दोनों ऑन हो गए, इससे आपकी जो आईपी है वो लीक नहीं होगी। अभी हमारी आगे सेटिंग रह गई, ये टेक्सलर वीपीएन वाली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इसको रेजिडेंशियल कर देना है। और यहाँ पे आपकी मर्जी है, एक लोकेशन आप जो रखना चाहते हो। मैं आज जो है उसकी स्पेन करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर, आपकी मर्जी है जो आप यहाँ पे आप रखना चाहते हैं, जो आपको अच्छी लगे। मसला ये है कि यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि आज कौन सी जो लोकेशन है वो सही काम कर रही है। जब काम करते हैं तो फिर जाके पता चलता है जी ये लोकेशन ठीक है, ये यानी कि वर्क कर रही है, ये नहीं कर रही, ठीक है। मैंने स्पेन कर दिया, देखिए ये ऊपर भी स्पेन आ रहा है और नीचे भी स्पेन आ रहा है, ठीक है। आपकी ये ऑन हो गई। अभी इसमें आपने एक और चीज़ चेक कर लेनी है लाजमी, नया टैब खोलें या इसी टैब में आए, यहाँ पे क्लिक करें WHOER, इंटर को प्रेस करें। ये पहली वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे आपने एक चीज़ लाजमी देख लिया करें। अभी देखें ये लोकेशन कहाँ गई, ये स्पेन की कर रहा है, वो ठीक है। प्रॉक्सी, कोई प्रॉक्सी नहीं है, शो कर रहा है। ये जो मेन चीज़ होती है ना आपको, ये है एनोनिमाइजर। अगर ये यहाँ पे यस लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो VPN है वो काम नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे जब तक यहाँ पे नो लिखा हुआ ना आए तो तब तक आपने काम नहीं करना, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका यस लिखा हुआ आता है तो आपने लोकेशन चेंज कर देनी है। अगर यहाँ पे नो है तो फिर आप आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे यस लिखा होता है, हम काम कर रहे होते हैं, हमारी जो IP है वो डिटेक्ट हो जाती है, फिर हमारी पेमेंट नहीं मिलती, अकाउंट क्लोज, सब कुछ भी हमारे हाथ नहीं आता, सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती है। ये नो हो तो तभी आपने काम करना है। ये हमारी मुकम्मल सेटिंग हो गई। अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसको हम करते हैं स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया और अलाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये मैंने आपको एक प्रोफाइल सेट करके दिखाया है, इसी तरह आपने काफ़ी सारे प्रोफाइल बनाने हैं, इसी तरह आपने काफ़ी सारे जीमेल क्रिएट करके उसमें अकाउंट बना लेना है। ये तो मैंने आपको एक यानी सेटिंग किया ना, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद दोबारा जाएं इस पर,
यहाँ पे ये है, दूसरा है, इसको स्टार्ट कर दें, यहाँ पे क्लिक करें, एक और खोल दें, यहाँ पे क्लिक करें, एक और खोल दें, यहाँ पे क्लिक करें, एक और खोल दें, जितना आपका कंप्यूटर बर्दाश्त करता है आप उतना इसको ओपन कर लें, और 3, 4 या 8, 10 जीमेल के अंदर आप ये प्रोफाइल में काम करें, और इस तरह आप इसको सिलेक्ट करके छोड़ दें। ये भी आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश भी करता रहेगा, इसके ऊपर खुद ब खुद ऐड आते रहेंगे, एक ऐड आएगा 15 सेकंड के बाद वो ऐड खुद ब खुद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, फिर नया ऐड आएगा वो 15 सेकंड के बाद वो ऐड खुद ब खुद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, फिर नया ऐड आएगा वो 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, फिर नया ऐड आ जाएगा आपके हर हर टैब के ऊपर। इस तरह अगर आपके सेट पे जो प्रोफाइल हैं वो ज़्यादा खुले होंगे, ये देखे ये न्यू टैब खोला, यहाँ पे आया, इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है, नया प्रोफाइल खोला, यहाँ पे आया, इसको स्टार्ट कर दिया। अभी इसके अंदर जो हमने डायरेक्ट लिंक लगाया था उसको ऑटोमेटिक रिफ्रेश करके खोलता रहेगा, रिफ्रेश करके खोलता रहेगा, अगर कोई टैब बंद भी हो जाता है तो उसको रिफ्रेश करके ऑटोमेटिक ये ऑन कर देगा। तो इस तरह आपने काफ़ी सारे प्रोफाइल खोल लेने हैं, काफ़ी सारे, जितना आप इसमें खोल सकते हैं, जितना आपका कंप्यूटर बर्दाश्त करता है। अभी देखें सबके अंदर ऐड आ रहे होंगे, ये देखें इसके अंदर भी ऐड आ रहा है, इसको देखें इसके अंदर भी ऐड आ रहा है, इसको देखें इसके अंदर भी ऐड आ रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप ऑटो क्लिक ऑन कर देंगे तो ये ऐड के ऊपर ऑटोमेटिक क्लिक करेगा, जिस तरह डायरेक्ट लिंक यानी क्लिक होता है तो आपका डायरेक्ट लिंक क्लिक हो जाएगा, तो क्लिक के ऊपर आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है ऑटो क्लिक के ऊपर। और अगर आपका पेज स्क्रोलर होगा, इसमें ऑन होगा ऑटोमेटिक, तो आपके पेज को स्क्रोल भी करेगा ऑटो क्लिक, आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह आपने चार पांच प्रोफाइल खोल के उसमें आप 15 टैब खोल लेने हैं, इसी तरह से आपने सब में जाके ये सारी चीज़ें ऑन करके आपने छोड़ देनी है, आपने कुछ नहीं करना, ये खुद ब खुद देखें ये खुद ब खुद लगा हुआ है, ये इसको 15 सेकंड के बाद दोबारा रिफ्रेश, इसको दोबारा रिफ्रेश करेगा, नया ऐड आएगा, फिर नया ऐड आएगा हर 15 से जो जो आपने टाइम लगाया होगा, आप उसको 20 सेकंड भी कर सकते हैं, 30 सेकंड तक देते हैं। आपको एक सेटिंग करके दिखाया कि आप इस तरीके से सारी इसको सेटिंग कर सकते हैं, इससे ना आपकी आईपी रिडक्ट होगी, ना आपको दोबारा बार बार आके क्लिक करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद इसको रिफ्रेश करता रहेगा। देखिए पहले वाला ऐड खत्म हो गया, ये ऐड आ गया, इंस्टॉल ना हुआ, मैं इसको ऐसे क्लिक कर देता हूँ, करना तो कुछ भी नहीं है, ये तो खुद ब अगर यहाँ पे ऑटो क्लिक कर होता तो इंस्टॉल के ऊपर ऑटोमेटिक क्लिक करता, एक क्लिक के ऊपर आपका आधा डॉलर बन जाता। तो लोग इस तरह के सेटअप करके ना प्रॉक्सी बाय करके वो लगा के तो एक एक दिन में एक एक प्रोफाइल से एक एक अकाउंट से वो एक एक हज़ार डॉलर तक निकाल रहे हैं। जब एक अकाउंट से 1,000 डॉलर बनाते हैं तो उसका 50 जो डॉलर है वो उसका जो मेन अकाउंट है उसमें चला जाता है। इसी तरह वो 10-15 अकाउंट बना लेते हैं, और अगर वो अकाउंट उनके सस्पेंड हो भी जाते हैं, जो उनके मेन अकाउंट में 5% जा रहा है वो जाता रहेगा, उसकी उनको हमेशा के लिए अर्निंग मिलती रहती है। अगर उनके वो अकाउंट सस्पेंड हो भी जाते हैं, बल्कि वो हो जाते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद जाके सस्पेंड होते हैं, तब तक वो पेमेंट ऐड हो चुकी होती है मेन अकाउंट के अंदर। नई जीमेल बनाए, नया अकाउंट बनाए, नया रेफरल लिंक से नया अकाउंट बनाए, दोबारा सेटअप करें, इसरा इंजॉय करें, मज़े करें। हालांकि ये 35,000 सेकंड तक देते हैं। आपको एक सेटिंग करके दिखाया कि आप इस तरीके से सारी इसको सेटिंग कर सकते हैं, इससे ना आपकी आईपी डिटेक्ट होगी, ना आपको दोबारा बार बार आके क्लिक करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद इसको रिफ्रेश करता रहेगा और बन जाता। तो लोग इस तरह के सेटअप करके ना प्रॉक्सी बाय करके वो लगा के तो एक एक दिन में एक एक प्रोफाइल से एक एक अकाउंट से वो एक एक हज़ार डॉलर तक निकाल रहे हैं, और अगर वो अकाउंट उनके सस्पेंड वो अकाउंट सस्पेंड हो भी जाते हैं, बल्कि वो नया रेफरल लिंक से नया अकाउंट बन रहे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के आने वाली वीडियो के अंदर, ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से वादा किया था, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, आप भी वादा पूरा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, पर नहीं किया ना, अगर हम करके उसको डाउनलोड करेगा तो आपके नहीं कोई है, क्लिक यहाँ पे 00 डॉलर था। अभी हम रिफ्रेश करते हैं, इसको देखते हैं कि इतना हमने ये जो 1-2 मिनट वहाँ पे काम किया है, 1-2 मिनट आपको बताने के लिए सिखाने के लिए मैंने किया है, उसके कोई इम्प्रेशन भी आए हैं या नहीं। सिर्फ इम्प्रेशन है, ये क्लिक नहीं है, सिर्फ इम्प्रेशन है। तो अगर आप इसको 1-2 घंटे चलने देते हो तो स्टेटस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जी आपको थोड़ा सा बताएं वहाँ पे
और उस थोड़ी देर में सिर्फ 30 इंप्रेशन आए हैं, जो आपको एक दो मिनट मैंने बताया, और 30 इंप्रेशन का जो है वो 15 का सीपीएम मिल रहा है, 15 का सीपीएम और आधा डॉलर हुआ है। मतलब कि अगर आपका 1000 इंप्रेशन आता है तो आपके 15 डॉलर बनते हैं। अगर 15 सेकंड का आप लगाते हैं और आप 20 पेज भी खोल लेते हैं, तो मतलब कि 15 सेकंड में आपके 20 पेज खुलेंगे और एक मिनट में आपका 100 पेज खुलेगा। मतलब कि 100 इंप्रेशन आएगा आपका तकरीबन एक आध मिनट में। अगर एक आध मिनट में आपका 100 इंप्रेशन आता है तो आपका 10 मिनट में कितना आना चाहिए? 1000 इंप्रेशन 10 मिनट में। ये सिर्फ मैं एक आपको अकाउंट की बात कर रहा हूँ, आपको एक प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। अगर आप 10 प्रोफाइल खोल लेते हो इसी तरह, 10 प्रोफाइल में काम करते हो, तो आपका एक मिनट में आ रहा है 1000 इंप्रेशन। अगर 10 प्रोफाइल खोलते हो तो आपके 1000 इंप्रेशन आएगा। 1000 इंप्रेशन पे आपको मिल रहा है 15 डॉलर, और जब आपके 10 होंगे यानी प्रोफाइल, तो आपका बनेगा 150 डॉलर। मतलब कि एक मिनट में आपका 150 डॉलर बन रहा है आपके 10 प्रोफाइल के ऊपर। एक मिनट में 150 डॉलर आपके 10 प्रोफाइल के ऊपर बन रहा है। अंदाज़ा करें, अगर आप 2-3 घंटे इसको चलाते हो, 3-4 घंटे इसको चला के छोड़ देते हो, तो आपको इसकी अर्निंग कितना होने वाली है। लोग इसीलिए ये सारी चीज़ें फ्री में इसलिए नहीं देते, कि लोग इससे फिर लाखों में कमाते हैं, लाखों में अर्निंग होती है लोगों की इससे। तो वो इसलिए जो बंदा मुझे दे रहा था वो 35,000 इसका मांग रहा था, उसको पता है कि इसने 35,000 तो एक घंटे में निकाल लेना है इससे, अगर अच्छे तरीके से काम करेगा तो। लेकिन मैं आप लोगों को ये सारा फ्री मैंने दिया। 15 का सीपीएम आ रहा है सिर्फ इम्प्रेशन का, क्लिक भी नहीं है। देखें यहाँ पे कोई क्लिक नहीं है, वो सिर्फ जो हमने चला के छोड़ दिया था, हमने 2 टैब खोले थे, सिर्फ 2 टैब में मैंने आपको 2 मिनट या 3 मिनट समझाया होगा, तो 15 सेकंड के बाद वो रिफ्रेश यानी कि होता रहा है, तो 30 इंप्रेशन पे आपका आधा डॉलर बना है। ठीक है, इंप्रेशन क्लिक भी नहीं है। तो इस तरह आप डेली का 3-4 हज़ार डॉलर कमा सकते हो, अगर आप इस तरह के 8-7 अकाउंट खोल के। फिर अगर आपके 2000 डॉलर भी बनते हैं तो आपने बनाया होगा रेफरल से, तो सीधा सीधा 100 डॉलर तो आपका जो मेन अकाउंट है उसमें चला जाएगा। अगर ये वाले अगर आपके सारे ख़त्म भी हो जाते हैं, अकाउंट सारा क्लोज हो जाता है, सब कुछ यानी हो जाता है, तो आपका 100 डॉलर तो दूसरे अकाउंट में चला गया, आपके मेन अकाउंट में चला गया, तो 100 डॉलर 28,000 बनता है पाकिस्तान में। 28,000 कोई इदारा नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ आप एक दिन में बैठ के कमा सकें 28-30 हज़ार महीने के।